हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आर टेक। और दोस्तों, मैं आज आपको मुझे कल बताऊंगा कि आईना पेटीएम का एटीएम कैसे ऑर्डर करना है और इसको कैसे आप एक्टिवेट कर पाएंगे और डीएक्टिवेट कैसे कर पाएंगे और कहां से आपको इसको ऑर्डर करना है और कैसे क्या करना है। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरा पेटीएम का एटीएम आ चुका है। उसका मैं आपको फुल रिव्यू दिखाऊंगा और इसका मैं बताऊंगा कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है। तो गाइस, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं पेटीएम ओपन कर लिया है और ये पेटीएम बैंक में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिंगर मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, वो डालें आप अपना 4 डिजिट का। तो ये ओपन हो चुका है, हमारे पे थोड़ा अमाउंट है, मेरा है अकाउंट नहीं है, ये किसी और का है, ऑर्डर करवा रहा हूँ मैं बस। और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही 250 रुपये मांगेगा और जो एड्रेस आप डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं आप। तो हमारे जिस भाई ने ऑर्डर करा उसका एड्रेस ये है। तो यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, और प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका फिंगर मांगेगा। फिंगर मारने के बाद आपका ये पैसा कट चुका है, ये अभी पेंडिंग में एरिया ऊपर मैसेज आ गया आपका 250 कट चुका है। तो कटने के बाद आपका जो एड्रेस है वहाँ पे 10 दिन 15 दिन में आ जाएगा और वीज़ा का एटीएम आएगा, ताकि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। उन्होंने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप कर रखा है अपने ट्रांजेक्शन के। और इसका जो वो हैगा स्टेट कब तक आएगा, आप उसको भी ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि कहाँ पहुँचा है। अभी देखिए, पेमेंट सक्सेस हुआ है और ऑर्डर प्लेस हुआ है। और आप कुछ दिन बाद इसको देखेंगे तो आपको दिखा देगा कि कब तक पहुँचेगा। अगर गैज आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो अपने भाई को सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।